गाइस आज के इस वीडियो में आपको Redmi Note 11 के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों से मतलब Redmi Note 11 के लीक्स आ रहे हैं कि ये इन फीचर्स के साथ आएगा, इन फीचर्स के साथ आएगा। तो इस वीडियो में आपको कंफर्म करने वाला हूं कि Redmi Note 11 आपको किस स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल सकता है। सो गाइस बेसिकली इस वीडियो में आपको Redmi Note 11 के सारे लीक्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा एंड उसके लॉन्च डेट एंड उसके प्राइस को लेकर भी कुछ बातें आपको बताऊंगा कि उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है एंड उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या हो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करें पहले Redmi Note 11 के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले टाइप के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। तो डिस्प्ले टाइप जो होगा वो आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन साइज जो है वो आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है एंड उसी के साथ इसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है क्योंकि अब सभी फोन में लगभग 90 हर्ट्ज के फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहे हैं। और गाइस बात करें इसके कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है, मतलब क्वाड कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। तो कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल सकता है। उसी के साथ आपको एक LED फ्लैश का भी सपोर्ट मिलेगा जो कि सभी फोन्स में मिलते हैं यार। एंड गाइस बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। गाइस बात करें इसके बैटरी के बारे में कि Redmi Note 11 में आपको कितने mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको एक क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। जो चार्जर होगा वो आपको 33 वाट का चार्जर आपको देखने को मिल सकता है। ओके तो फाइनली गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो Redmi Note 11 में आपको एक MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसका नाम है MediaTek Helio G80 जो कि पिछले बहुत सारे फोन्स में आपको देखने को मिला है। ओके तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके लॉन्च डेट एंड इसको प्राइस को लेकर। तो पहले मैं आपको इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बताऊं, तो जो दोस्तों इसकी जो लीक्स आ रहे हैं उनके हिसाब से ये अक्टूबर 13 को लॉन्च हो सकता है, मतलब आपको 13 अक्टूबर तक ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। एंड वहीं पे बात करें इसके प्राइस को लेकर, तो जो इसकी लीक्ड प्राइस आ रही है एक्सपेक्टेड प्राइस आ रही है वो है 11,999 रुपीज़। तो भाई साहब इसी बजट में तो इसी प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको Redmi Note 11 के स्पेसिफिकेशन अच्छे ही लगे होंगे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।